वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम मिला स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसमें है चोबे की पूरियां। चलिए उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम पहले चोबे को हमारे तैयार कर लेंगे। मैंने एक बड़ा वाला नारियल का पीस लिया था, उसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इतना बारीक वाला। देखिए उसमें मैं अब एक कप हमारा नारियल है तो हम एक कप शुगर मिलाएंगे उसमें और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो आप मिला सकते हैं। देखिए मैंने शक्कर को पीस कर डाला है, अगर वैसे ही डालेंगे तो शक्कर नीचे बैठ जाएगी, अगर पिसी हुई होगी तो अच्छे से उसमें मिल जाएगी। चलिए हमारे चोबे का ये तैयार हो गया है। अब हम पूरन की पूरियों के लिए दाल की तैयारी करेंगे। देखिए अब पूरन की पूरियों के लिए हमें चने की दाल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, उसे एक कुकर में डाल लेंगे। इसे हमें गला लेना है। पहले कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये पहले ही भीग चुकी है तो इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होगी। मैं आपको बताऊंगी, अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो ऊपर से निकल जाएगा। सिर्फ जितना हमारी दाल इसमें डूब जाती है बस हमें उतना ही पानी डालना है, और थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए मैं और थोड़ा डाल रही हूँ। देखिए हमारी दाल सिर्फ इसमें डूबनी चाहिए, इसके ऊपर पानी नहीं आना है। ये करेक्ट मेजरमेंट है, इसमें हमारी दाल में पानी करेक्ट हो जाएगा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा। अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूँगी और कुकर का लीड लगाकर 2 सीटी आने तक मैं गैस पर ही रखूँगी, हाई फ्लेम पर। देखिए पहले मैं चोबे के पूरियों के लिए बैटर अलग से मिक्स करूँगी। आटे को हमें थोड़ा सा मैंने आटा लिया है, मैं बिल्कुल थोड़े ही आपको बताने के लिए बना रही हूँ पूरियाँ, फिर मैं मिलाद के दिन फिर से बनाऊँगी। और इसमें हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और एक चुटकी बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस चोबे की पूरियों के लिए हमें दूध नहीं डालना है क्योंकि वो क्रिस्पी होनी चाहिए, अगर इसमें दूध डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी। हम जब पूरन की पूरियों के लिए आटा गूंथते हैं जब उसमें हम दूध डालेंगे। इसमें सिर्फ क्रिस्पी बनाने के लिए आप घी या ऑयल थोड़ा सा डाल सकते हैं, इससे हमारी चोबे की पूरियां क्रिस्पी बनेगी। देखिए मैंने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं पानी डालकर इसे बाइंड करूंगी। देखिए अच्छे से इसे बाइंड कर लेंगे, इसे बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, हमें मीडियम रखना है इसे। और थोड़ा पानी डालकर मैं अच्छे से गूंथ लूँगी। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो चुका है। अब मैं इसे दूसरी प्लेट में रख लूँगी। इसी डिश में मैं अब पूरन की पूरियों के लिए आटा गूंथूँगी। देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और उसमें मैं एक पिंच सॉल्ट डालूँगी, सिर्फ एक पिंच, मेरा आटा थोड़ा है तो मैं एक पिंच ही डालूँगी। और इसमें हम इस आटे को दूध से गूंदेंगे क्योंकि हमारी पूरन की पूरियाँ सॉफ्ट होनी चाहिए, इसीलिए हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी। इससे हमारी पूरी बहुत सॉफ्ट होगी, आप घी भी डाल सकते हैं। दूध और जो ऑयल है उससे हमारी पूरियों का कवर जो है वो बहुत अच्छे से मुलायम बनेगा। देखिए मैं इसे अच्छे से बाइंड कर लूँगी। जब तक हमारी दाल गल रही है और आटा भी थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक हम खीर की तैयारी करते हैं। हमने आधा लीटर दूध लिया है
और एक छोटी कटोरी चावल 15 मिनट पहले 3 इलायचियों के साथ भिगोने के लिए रखा है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बादाम और काजू हैं। तो बादाम का छिलका मैंने उतार लिया है क्योंकि वो खीर में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और गैस को ऑन करके ड्राई फ्रूट्स हम अभी से डाल देंगे उसमें। इसे हमें कुछ भी घी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने गैस को ऑन कर लिया और मैंने लो फ्लेम पर ही इसे रखा है। तब तक मैं चावल के लिए, खीर के लिए इस चावल को ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, अब हम दूध को बॉईल के लिए रखा था और अच्छे से उसे हिलाएंगे। और इधर हमारी दाल भी रेडी हो रही है, कुकर की सीटियाँ आ चुकी हैं। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। मैंने गैस को ऑफ कर लिया है। जब दूध बॉईल हो जाता है अच्छे से, तब हम पिसे हुए चावल का पेस्ट इसमें डालेंगे। देखिए, हमारा दूध पक रहा है। अब मैं इसमें ग्राइंड की हुई चावल और इलायची का पेस्ट डालूंगी, और इसे हमें चलाते रहना है। अगर रुक जाएंगे तो गांठ बन जाएगी उसमें। हमें अच्छे से हिलाना है। स्टार्टिंग जब हम चावल का पेस्ट डालते हैं तो बहुत एकदम से गुठलियाँ बन जाती है, इसीलिए हमें अच्छे से चलाते रहना चाहिए। इलायची को हमने चावल में ही डालकर ग्राइंड किया था। देखिए, ये हमारी खीर अच्छे से पक रही है, और हमने काजू बादाम भी इसमें स्टार्टिंग में ही डाल दिए थे। देखिए, हमारी खीर अब अच्छे से पक रही है। जब तक हमारे चावल गल नहीं जाते, तब तक हम उसमें शुगर नहीं डालेंगे। तो चावल हमारे अच्छे से गल जाना चाहिए। देखिए, और थोड़ा सा गल जाएंगे तब मैं इसमें शुगर डालूंगी। मैं और एक बार चेक करती हूँ। देखिए, अब हमारे चावल अच्छे से गल चुके हैं। अब हमें शुगर को डालना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ आधी कटोरी डाली है। टेस्ट करके देखूंगी, अगर कम लगी तो फिर थोड़ी सी डालूंगी, और थोड़ी देर उसे अच्छे से लो फ्लेम पर ही पकने के लिए छोड़ेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे लगे नहीं। देखिए, हमारी खीर अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए खीर के लिए। अगर बहुत पतली होगी तो पूरियों के साथ अच्छे से नहीं लगेगी। जब हम उसमें पूरियों को डिप करेंगे तो उसे अच्छे से कोट नहीं होगे। देखिए, अच्छी गाढ़ी है और बहुत अच्छी लग रही है। अब हमारी खीर रेडी हो चुकी है। इसे ऑफ कर दूंगी मैं गैस को, और पूरियों की तैयारी करूंगी। देखिए, हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसे शक्कर डालकर थोड़ा सा पीस लूंगी। अब मैं हमारे पूरन को बघारने के लिए घी डालूंगी। लगभग एक बड़ा चम्मच मैंने घी लिया है, और वो अच्छे से देखिए घुल गया है। अब मैं इस दाल को इसमें डाल लूंगी, जो शक्कर डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया। देखिए कि कितने अच्छे से पक रहा है। हम ऐसे ही इसे इसका पानी सूखने तक पका लेंगे हाई फ्लेम पर, और हाथ को चलाते ही रहना है, वरना नीचे हमारा पूरन जल जाएगा। घी में अच्छे से पूरन को भून लेना है। देखिए, और थोड़ा सा पकना बाकी है। मैं इसमें दो इलायचियों को दरदरा पीस लिया है, और थोड़ा सा फूड कलर, आप जो कलर चाहे, केसर या येलो कोई भी कलर डाल सकते हैं। मैंने केसर कलर लिया है। इसे अच्छे से पकाएंगे, और थोड़ा इसका पानी सूख जाए तब हम इसे ठंडा कर पूरियों में भरेंगे।
बस हमारा पूरा रेडी हो चुका। देखिए हमारा अब पूरन भी रेडी हो चुका है और मैंने उसे ठंडा भी कर दिया है। और ये दोनों अलग अलग डो है, ये हमारा पूरन की पूरी वाला है जो हमने दाल से बनाई है, उसके लिए दूध और हमने इसमें ऑयल डाला था और इसमें हमने सिर्फ तेल और पानी से गूंदा था, जो क्रिस्पी होने के लिए हमने इसमें दूध नहीं डाला था। ये दोनों को हम अलग अलग बेल लेंगे। मीडियम साइज में मैं कट कर लूँगी। अब हम इसे बेलेंगे। अच्छे से हम इसे बेल लेंगे। कोने में हमें मोटा नहीं रखना है। सभी हमारा ये जो पूरी का पापड़ है इक्वल मोटा रहना चाहिए, बीच में पतला, साइडों में मोटा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं साइडों में बेल रही हूँ। देखिए हमारा ये पूरी रेडी है और साइड में सभी इक्वल है। अब हम सारे ऐसे ही बेल लेंगे, फिर उसमें भर हमारा ये दाल और चोबा भर लेंगे। अब हमें इसे नीचे की तरफ भरना है। हमें बीच में भरेंगे तो उसे कवर को उल्टा नहीं कर पाएंगे, अच्छे से वो बंद नहीं होगा। देखिए ऐसे से थोड़ा चपटा करते हुए दोनों साइड दोनों हम पापड़ों में डाल लेंगे पूरन को। ऐसे थोड़ा सा लंबा आना चाहिए और ऐसे उसे फैला लेना है बस। और अब हम इसे थोड़ा सा पानी लगाएंगे साइड में, बस एक साइड लगाएंगे काफ़ी है, और इसको भी ये साइड लगाएंगे बस। अब इसे ऐसे मूंछ देना है। देखिए कितनी आसानी से ये पूरी हमारी बंद हो रही है। देखिए इसको आप यहाँ पर डिज़ाइन भी कर सकते हैं किसी चीज़ से, और या ऐसे भी उसे मोड़कर आप बना सकते हैं। ऐसे सारी पूरी को हम अच्छे से मोड़ लेंगे। देखिए ये लास्ट में हम इधर वाला इस तरफ मोड़ेंगे। ये हमारी पूरी अच्छे से टेढ़ी हो चुकी है। देखिए ये दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम ऐसे ही चोबे की पूरियां भी भर लेंगे। इसको यहाँ पर रख देंगे दूसरी प्लेट में, और हमारे दूसरे वाले इधर रख लेंगे जो हमने दूसरे आटे से बनाया था। अगर हमने पिसी हुई इसमें चीनी नहीं डालते तो ये नीचे चीनी बैठ जाती और खोपरा सारा ऊपर रह जाता। देखिए इसे भी हमने ऐसे लंबाई में ही डालना है। इसे ऐसे अच्छे से हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, जो फैला हुआ है उसे हम एक जगह अच्छे से रख लेंगे। देखिए अब इसे हमें बंद करने में आसानी होगी। और फिर यहाँ पर पानी लगा लेंगे दोनों साइड। और इसे अच्छे से देखिए कितने इजीली ये बंद हो रहा है। हम पानी इसलिए लगाते हैं कि वो तेल में जाकर खुले नहीं, ये पानी से चिपक जाती है अच्छे से। देखिए इसको भी हम ऐसे ही मोड़ लेंगे। देखिए मैंने पूरन और चोबे की पूरियों को बेल लिया है और फ्राई करने के लिए तेल भी मैंने गैस पर रखा है। चलिए फ्राई करते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, मैं इन पूरियों को छोड़ रही हूँ इसमें।
देखिए अब एक साइड ये हो चुकी है और मैंने इसे पलटा लिया है। दूसरी साइड भी इसे हम तल लेंगे। धीरे से हमें पलटाना है वरना तेल उड़ जाएगा। पूरी पलटाते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने फ्लेम को लो पे ही रखा है ताकि हमारी पूरियां अच्छे से तली जाए। मैं थोड़ा सा गैस को हाई कर रही हूँ। एक साइड हो चुकी है और इस साइड भी अच्छे से हो चुकी है हमारी पूरियां। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसे बहुत लाल नहीं करना है, लाइट गोल्डन होना है बस। हम इसे निकाल लेंगे। और दूसरा बैच डालकर भी ऐसे ही तल लेंगे। ये भी हमारी पूरियां हो चुकी हैं। अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। अब हम डिश आउट करेंगे। पूरियों को थोड़ा ठंडा करेंगे फिर डिश आउट करेंगे। देखिए हमारी मिलाद स्पेशल रेसिपी अब रेडी हो चुकी है। चावल की खीर, चोबे की पूरियां और पूरन की पूरियां सब रेडी हो चुका है। आप भी मिलाद स्पेशल रेसिपी घर पर बनाइए और मुझे कमेंट्स कर बताइए कि कैसे बने हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।